हेलो माय ब्यूटी क्वीन्स वेलकम बैक टू सेल्फ वेडिंग गेस्ट हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल वीडियो उसके साथ हम देखेंगे हेयर स्टाइलिंग हैक्स भी सो गर्मियों के शादी फंक्शन के लिए पांच आसान हेयर स्टाइल बनाने के तरीके शेयर करने वाली हूँ जो आप खुद से ही बना सकते हो सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सो पहले हेयर स्टाइल के लिए मैंने सेंटर पार्टीशन और बालों को नीटली कोम करते हुए नेक के पीछे मैंने होल्ड करा और वहाँ पर एक पोनी टाई कर लूँगी रबर बैंड के साथ मेरे बाल काफ़ी थिन और पतले हैं लेकिन ये हेयर स्टाइल आप अपने लंबे या भारी बालों के साथ भी बना सकते हैं तो पहले हेयर स्टाइलिंग हैक के लिए आप देख सकते हो मैंने पोनी बांधा और उसके बाद भी मेरे बाल अच्छे से स्लीक सेटल नहीं हुए कान के ऊपर कैसे फूले हुए हैं उसको सेटल करने के लिए मैंने ये हेयर ब्रश लिया है और इसके ऊपर मैंने गेट्स का सेटिंग स्प्रे ऐड करा और इसके साथ मैं बालों को पीछे की तरफ कोम कर रही हूँ दोनों साइड से नीटली बालों को कोम करके पोनी के ऊपर टाइटली होल्ड करना है एंड देन एक और रबर बैंड के साथ मैं पीछे पोनी टाई कर दूंगी एक एक्स्ट्रा टिप आपको देना चाहूंगी जब आप पोनी टाई करो तो नीचे से पोनी को पुल करके ऐसे टाइट मत करना रबर बैंड को उससे क्या होता है कि पीछे की तरफ अजीब से बाल फूल जाते हैं सो डोंट डू दैट सो जूड़ाबन बनाने के लिए यहां पे मैंने ये हेयर स्टाइलिंग टूल लिया उसको बालों में इंसर्ट करा अंदर की तरफ इन्वर्ट डायरेक्शन में इन्वर्ट करते हुए इस तरह से एक स्लीक सा जूड़ा बन लो नेक के ऊपर मैंने क्रिएट कर लिया अब गर्मियों के शादी फंक्शन में एक स्ली लो नेक बन लुक्स वेरी वेरी क्लासी पतले या यावी बालों के साथ ये बनाना भी आसान है खुद से क्रिएट करना भी आसान है इसको आप मांग टिका या इस तरह के इयरिंग एक्सेसरीज के साथ स्टाइल भी कर सकते हो तो ये पहला हेयर स्टाइल है एंड डू रिमेंबर द हेयर स्टाइलिंग टिप और हैक जो मैंने आपके साथ शेयर करा न सेकंड हेयर स्टाइलिंग हैक के लिए मैंने बाल ओपन छोड़े हैं एनी गर्ल कैन ट्राई शाम के शादी फंक्शन के या मेहंदी फंक्शन में भी आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो इसके बाद मैंने लिया है ये हेयर स्टाइलिंग वायर जो बंस में बालों को एक्सरसाइज करने के लिए आता है इसके दोनों लूप्स को आपस में इंसर्ट करके इनको मैं आपस में ट्विस्ट कर रही हूँ सो so, ये एक वायर के ऊपर पर्ल एंड इसमें स्टोन्स लगे हुए हैं इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल सो इसको आपस में ट्विस्ट करने के बाद जहाँ पे भी आप इसको प्लेस करना चाहो आगे की तरफ या पीछे की तरफ जैसे मैंने थोड़ा क्राउन की तरह हेयर बैंड की तरह इसको प्लेस करा एंड राइट एंड लेफ़्ट साइड से दोनों से पॉबी uh, पिन की मदद से मैंने इसको बालों में सिक्योर कर लिया है सो दिस इज़ सेकेंड क्विक एंड इजी सेल्फ वेडिंग गेस्ट हेयर स्टाइल एंड इट लुक्स वेरी इजी एज़ वेल अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी इस तरह की हेयर स्टाइलिंग टूल अपने पास रखें आप क्विक एंड ईजिली अपने लिए हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हो इसमें आप सामने के जो हेयर सेक्शन है उसको फ्रंट में ओपन भी छोड़ सकते हैं या पूरा स्लीक लुक मेंटेन रखने के लिए बालों को अच्छी तरह से नीटली कान के पीछे पुल करके भी बालों को स्टाइल कर सकते हैं तीसरे हेयर स्टाइल बनाने के तरीके के लिए मैंने साइड पार्टीशन क्रिएट करी है एंड देन ईयर टू ईयर पार्टीशन करके जिस तरफ बालों का वॉल्यूम ज़्यादा है एक बड़ा सा हेयर का चंक खुला छोड़ दिया है समथिंग लाइक दिस और इसको मैं पिन के साथ सिक्योर कर रही हूँ अब पीछे बचे हुए जितने भी हेयर हैं अगेन इनको नीटली कोम करके लो नेक के ऊपर सबसे पहले मैं एक पोनी टाई करूंगी एंड सेम हेयर स्टाइल हैक हेयर स्टाइल टिप जो मैंने पहले शेयर की पोनी टाई करने के बाद बालों को पुल नहीं करना है जस्ट पोनी टाई करना है उसके बाद ब्रश को यूज़ करना है उसके ऊपर हेयर सेटिंग स्प्रे पहले से ही लगा हुआ था उसको दोबारा से बालों को कोम करना है एंड एक और पोनी टाई कर लेनी है अब अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा थिन है और बालों में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है तो वहाँ पे आप इस तरह के स्पंजी डोनट बन का इस्तेमाल करके एक हैवी जूड़ा बन हेयर स्टाइल लुक क्रिएट कर सकते हैं इस डोनट बन को बालों में टाकिन करना आसान है उसको बालों में प्लेस करें बालों को उसके ऊपर स्प्रेड करके एक और रबर बैंड के साथ सिक्योर करें और रेस्ट बचे हुए हेयर को बन के अराउंड रोटेट करके जूड़ा पिन की मदद से सेफली सिक्योर कर दें जहाँ पे अपनी जरूरत के हिसाब से आप एडिशनल जूड़ा पेन भी ऐड कर सकते हो अब जो सामने के बचे हुए हेयर हैं इनको मैं कान के पीछे लेके जा रही हूँ एंड जस्ट अकॉर्डिंग टू जितना भी आपके बालों का वॉल्यूम है उस हिसाब से बॉबी पिन या टिक टिकटैक पिन की मदद से इन हेयर सेक्शंस को भी अच्छे से सिक्योर कर लें बाल में स्मूदनेस और स्लीक लुक मेंटेन रखने के लिए अगेन मैं ये सेम ब्रश यूज़ कर रही हूँ अगर आपके पास ये ब्रश नहीं है ये सिंथेटिक ब्रिसल्स वाला हेयर स्टाइलिंग टूल ब्रश है तो अगर आपके पास कोई फ्रेश टूथब्रश पड़ा हुआ है घर पर यू कैन यूज़ दैट एज़ वेल बस उसका साइज थोड़ा सा स्मॉल रहेगा सो यू हैव टू डू मल्टीपल स्ट्रोक्स लेकिन इससे बालों में बहुत ही बढ़िया इवन एंड स्लीक लुक आता है एंड हियर यू हैव अ थर्ड इजी क्विक सेल्फ वेडिंग गेस्ट हेयर स्टाइल जो आप गर्मियों में शादी फंक्शन में साड़ी के साथ शरारे सूट के साथ डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो नफ फॉर द नेक्स्ट हेयर स्टाइल मैंने अगेन साइड पार्टीशन के साथ एक नीट क्लीन स्लीक पोनीटेल क्रिएट कर ली है और उसके बाद मैं ले रही हूँ ये आर्टिफिशियल हेयर फ्रिल हेयर एक्सटेंशन जो मैंने अमेजोन से पिक करा था इसके दोनों एंड्स के ऊपर बॉबी पिन इंसर्ट कर लेना है समथिंग लाइक दिस और इस बॉबी पिन को पोनीटेल जहाँ पे क्रिएट करा है उस पोनीटेल के अंदर इस तरह से पुश कर देना है देन उसके बाद जो मेरे नेचुरल हेयर हैं उसके साथ ही मैं इस फ्रिल को क्रॉस करते जा रही हूँ लोअर एंड्स तक समथिंग लाइक दिस और जो एकदम लास्ट का लोअर एंड है अगेन उसको ऊपर की तरफ होल्ड करके जहाँ पे रबर बैंड था उस सेक्शन में मैं पीछे से टिक टिकटैक पिन के साथ सिक्योर कर रही हूँ सो है ना ये कमाल का हेयर स्टाइलिंग हैक पतले बालों में एक इंस्टेंट क्विक तरीके से हैवी लुकिंग साइड ब्रेड हेयर स्टाइल क्रिएट करने का सो यू कैन ट्राई आउट दिस हेयर स्टाइल फॉर समर वेडिंग फंक्शंस एज वेल फॉर द नेक्स्ट हेयर स्टाइल मैंने बाल ओपन छोड़े हैं रफली साइड पार्टीशन क्रिएट करी है एंड अपने दोनों फिंगर्स के साथ राइट एंड लेफ्ट से हेयर के सेक्शंस को लेके बस आपस में प्रेस करती जा रही हूँ सो so ये हेयर स्टाइल बनाने का तरीका मैंने ऑनलाइन ही चेक करा था एंड आई डू फील दिस वॉज रियली क्विक एंड ईजी फेक फ्रेंच ब्रेड हेयर स्टाइल जिसमें कि अगर आपको यू नो फ्रेंच ब्रेड बनाते बनाते हाथ दुखने लग जाते हैं ट्राई दिस टेक्नीक यू जस्ट हैव टू पुश योर हेयर फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट इन सेंटर बाबा सेंटर में हेयर को होल्ड करके रखना है सो इस स्टेप्स के साथ मैंने राइट एंड लेफ्ट पे फ्रेंच ब्रेड बनाई है फेक फ्रेंच ब्रेड और उसको पिंस के साथ से क्योर कर दिया क्योंकि गर्मियों के वेडिंग फंक्शन हेयर स्टाइल शेयर कर रही हूँ तो मैंने थोड़े से फ्रेश फ्लावर भी ऐड कर दिए हैं सो so, ये था लास्ट हेयर स्टाइल आज मैंने पांच आसान गर्मियों के शादी फंक्शन के लिए खुद से हेयर स्टाइल बनाने के तरीके शेयर करे हैं जो पतले या हैवी बालों के साथ आप इजीली कर सकते हो और हेयर स्टाइलिंग हैक्स भी बताए हैं वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर और हेयर स्टाइल एंड बिगनर्स मेकअप कैसे करें इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गर्मियों का स्किन केयर वीडियो भी जल्दी आने वाला है सो स्टे टून फॉर दैट एज वेल सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लव यू ऑल बाई